गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कुछ नैतिक गुणों से भरे हुए वाक्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारे जीवन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे हमें कुछ सबक मिलती है और मन को सांत्वना मिलती है। विभिन्न प्रकार के लेखकों और विद्वानों के द्वारा दी गई यह नैतिकता से भरे हुए वाक्यों को हिंदी और अंग्रेजी के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। 31 नंबर पर वी दैट आर वेरी ओल्ड, हम जो बहुत वृद्ध हो गए हैं, आर बेटर एबल टू रिमेम्बर थिंग्स, उन चीजों को बहुत अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। विच वी फेल अस इन आवर डिस्टेंट यूथ, जो हमारे जवानी और बचपन के दिनों के अंतर्गत घटित हुई थी। कहना यह चाहते कि हम वे लोग जो काफी वृद्ध हो चुके हैं, वे अपने बचपन और जवानी के दिनों की घटनाओं को बहुत अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। देन इन पासेज ऑफ लेटर डेज, वनस्पति उन विचारों के और उन घटनाओं को जो बाद के दिनों में घटित होती। करा वी दैट आर वेरी ओल्ड, जो हम बहुत वृद्ध हो गए हैं, आर बेटर एबल टू रिमेम्बर थिंग्स, उन बातों को हम अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। विच वी फेल अस इन आवर डिस्टेंट यूथ, जो हमारे बचपन में या जवानी में घटित हुई थी वनस्पति की उन विचारों के। देन पैसेज ऑफ लेटर डे, जो हमारे बाद के दिनों में घटनाएं घटित होती हैं, उनकी अपेक्षा बचपन के और जवानी के दिनों की घटनाओं को बहुत अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। हिंदी दी गई, हम जो वृद्ध हो गए हैं किसी बात को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं जो बचपन में घटित हुई थी, वनस्पति के उन विचारों के जो हमारे बाद के दिनों में घटित होती हैं। अर्थात हम हाल ही की घटनाओं से वृद्ध बचपन का अर्थात हाल ही की घटनाओं से वृद्ध बचपन की घटनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। यानी वृद्ध लोग हाल की घटनाओं की अपेक्षा बचपन की घटनाओं को, जवानी की घटनाओं को अधिक महत्व देते हैं। अगला है, दो इट इज बाय द बेनिफिट ऑफ नेचर, या प्रकृति का एक बहुत ही बड़ा लाभकारी गुण है, दैट लेंथ ऑफ टाइम दस ब्लास्ट आवर वायलेंस ऑफ एप्लीकेशन, जो हमारे घावों को, हिंसा के गहराइयों को, घावों को मिटा देता है। करा यह प्रकृति का बहुत बड़ा लाभ है कि समय बीतने के साथ साथ हमारे दुखों और अत्याचारों के घटनाओं को भुला देता है। दो इट इज बाय द बेनिफिट ऑफ नेचर, या प्रकृति का बहुत बड़ा लाभ है, दैट लेंथ ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, दस प्लाट्स ऑफ दी वायलेंस ऑफ एप्लीकेशन, जो हमारे दुख और अत्याचार को हम धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं, घटनाएं मिट जाती हैं, दिमाग में उनका अवशेष समाप्त हो जाता है। एक्ट विथ टेम्पर्स टू मच गिवन टू द प्लेजर, फिर भी उन लोगों को जो आनंद में लीन हैं, एक्ट विथ टेम्पर्स टू मच गिवन टू प्लेजर, लेकिन वे लोग जो आनंद की घटनाओं में बहुत अधिक लीन है, इट इज ऑलमोस्ट नेसेसरी, लगभग उनके लिए आवश्यक है, टू रिवाइव द ओल्ड प्लेसेज ऑफ ग्रीफ इन आवर मेमोरी, कि कभी कभी उन्हें उन पुराने स्थानों पर जाना चाहिए, पुरानी घटनाओं को याद कर लेना चाहिए, जिससे कि वे विपत्ति को भूल न सके। दो इट इज बाय द बेनिफिट ऑफ नेचर, या प्रकृति का बहुत बड़ा लाभ है, उपकार है, समझिए प्रकृति का मानव के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार है, दैट लेंथ ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, दस ब्लास्ट आउट वायलेंस ऑफ एप्लीकेशन, तो यह हमारे ऊपर हुए दुखों और अत्याचार को भुला देता है। एक्ट फिर भी विथ टेम्पर्स टू मच गिवन टू प्लेजर, वे लोग जो आनंद में भाव विभोर हैं, आनंद में लीन हैं,
इट इज ऑलमोस्ट नेसेसरी टू रिवाइव, उनके लिए अति आवश्यक है कि वह उन स्थानों पर भी जाएं, उन स्थानों को भी याद करें, उन घटनाओं को भी याद करें, ओल्ड प्लेसेस पुरानी घटनाओं को याद करें। आप ग्रीव इन आवर मेमोरी, हमारे यादाश्त के अंतर्गत उन विपत्ति की घटनाओं को याद करें ताकि भूल न जाए। लाइफ बीइंग टू शॉर्ट टू गिव इंस्टेंसेस ग्रेट एनफ, आप ट्रू फ्रेंडशिप आर गुड विथ लाइफ बीइंग टू शॉर्ट, जीवन इतना छोटा है, टू गिव इंस्टेंसेस कि उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकता। ग्रेट एनफ ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप आर गुडविल, जीवन इतना अल्प है, इतना छोटा है कि हम समाज में सच्ची मित्रता और सद्भावना का कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते। लाइफ बीइंग टू शॉर्ट टू गिव इंस्टेंसेस ग्रेट एनफ ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप आर गुडविल, जीवन इतना अल्प है कि हम समाज में सच्ची मित्रता और सद्भावना का कोई उदाहरण हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। 34, इट इज ट्रू दैट पास्ट मेमोरीज आर द ट्रेजर ऑफ नॉलेज, यह सच्ची बात है कि पास्ट मेमोरीज पुराने यादाश्त पुरानी घटनाओं की स्मृतियां हमारे ज्ञान की खजाना होती है, आर ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का खजाना है। It is true that past memories are the treasures of knowledge. यह सच्ची बात है कि पुरानी स्मृतियां हमारे ज्ञान की खजाना होती है। 35, the vagueness of the world goes on. दुनिया के क्रियाकलाप घटनाएं चलती रहती हैं। The vagueness of world goes on. इस दुनिया के क्रियाकलाप चलते रहते हैं। एज यूजुअल रोजमर्रा की तरह विदाउट एनी लेट आर हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा या अवरोध के, लेट बाधा हिंड्रेंस अवरोध, बिना किसी बाधा के इस दुनिया के सारे कार्य रोजमर्रा की तरह सामान्य अवस्था में चलते रहते हैं। इट हैज नो टाइम टू पास, इसे ठहरने का रुकने का कोई समय नहीं है। फॉर ए मोमेंट, यानी यह दुनिया एक क्षण के भी नहीं ठहर पाती है। किस लिए? टू कंसीडर द मिजरेबल लॉट ऑफ दोस, उन दुर्भाग्य सारे लोगों के विषय में सोचने के लिए, हु पास अवे इन द प्राइम ऑफ देयर लाइफ, जो जवानी के दिनों उनके सामने गुजर गए मर गए, आर दोज हु आर हैवी इन देयर हार्ट्स, अथवा वे लोग जो अत्यधिक दुखी हैं, यानी उनका हृदय दुखों से भारी है, फॉर देयर डियर वंस, अपने किसी प्रिय के लिए जो गम मना रहे हैं, दुख मना रहे हैं, उनके लिए भी सोचने के लिए लोगों के पास फुर्सत नहीं है। हु हैव दस पास्ट अवे, जो इस प्रकार से दुनिया में गुजर गए। दिस कालस एटीट्यूड ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया का यह बेरहम क्रूर दृष्टिकोण, दुनिया का यह क्रूर या बेरहम दृष्टिकोण, टचेज द हार्ट ऑफ वन, एक आदमी के हृदय को छू देता है, मर्म स्पर्शी बना देता है, टू द कोर, आदमी के हृदय के कोने को छूता है, एंड हिज ग्रीफ बिकम्स द मोर अनबियरेबल, और उसका दुख अधिक असहनीय बन जाता है। वन यर्स फॉर द टच ऑफ वन्स फ्रेंड, एक व्यक्ति अपने मित्र के लिए आहें भरता है, याद करता है, एंड Crave to hear once again the sweet voice of one's friend, और वह अपने मित्र की मधुर आवाज को एक बार सुनने के लिए वह कामना करता है। Who is no more, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। One knows that one's friend will never return to him, एक व्यक्ति जानता है कि उसका मित्र दोबारा लौट कर इस दुनिया में नहीं आएगा, and he feels quite lonely इन दिस वर्ल्ड, और जब उसे यह एहसास होता है कि उसका मित्र दुनिया में लौट करके नहीं आ जाएगा, तो वह उसे महसूस होता है कि दुनिया में बिल्कुल अकेला है। फिर समझिए, द वेजनेस ऑफ वर्ल्ड गोज ऑन
एज यूजुअल विदाउट एनी लेट आर हिंड्रेंस, इस दुनिया के सारे कार्य बिना किसी बाधा या अवरोध के जारी रहते हैं। दी बिजनेस ऑफ वर्ल्ड गोज ऑन एज यूजुअल विदाउट एनी लेट आर हिंड्रेंस, इस दुनिया के सारे कार्य क्रियाकलाप बिना किसी अवरोध या बाधा के चलते रहते हैं। इट हैज नो टाइम टू पॉज फॉर ए मोमेंट टू कंसीडर द मेजरेबल लॉट ऑफ दोस, इसके पास इस दुनिया के लोगों के पास उन दुर्भाग्यशाली लोगों के विषय में सोचने के लिए एक क्षण का भी समय नहीं है। हु पास अवे इन द प्राइम ऑफ देयर लाइफ, जो अपने जवानी के दिनों में इस दुनिया से मर गए उनके लिए भी इस दुनिया के लोगों को सोचने की फुर्सत नहीं है। आर ऑफ दोज हु आर हैवी इन देयर हार्ट्स विथ ग्रीफ फॉर देयर डियर वंस हु हैव दस पास्ड अवे, अथवा इस दुनिया के लोगों के पास उस व्यक्ति के से हाल चाल पूछने का भी समय नहीं है जो अपने किसी प्रिय जन के गुजर जाने पर बहुत गमगीन है। यानी इस दुनिया के पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वे लोग जो अपने प्रियजनों के मर जाने पर गुजर जाने पर इतने गमगीन हैं उनके दुखों को भी पूछ सकें। दिस कालस एटीट्यूड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का यह क्रूर बेरहम दृष्टिकोण टचेज द हार्ट ऑफ द वन टू द कोर, दुनिया का यह बेरहम दृष्टिकोण एक व्यक्ति के हृदय के गहराई तक छू लेता है। एंड हिज ग्रीव बिकम्स द मोर अनबियरेबल, और उस आदमी का दुख और अधिक असहनीय बन जाता। वन अर्न्स फॉर द टच ऑफ द वन्स फ्रेंड्स, एक आदमी अपने मित्र के एक व्यक्ति अपने मित्र के स्पर्श के लिए आहें भरता है, कामना करता है। एंड क्रेव टू हियर वंस अगेन द स्वीट वॉइस ऑफ वंस फ्रेंड, और वह अपने मित्र के मधुर आवाज को सुनने के लिए एक बार और सुनने के लिए वह कामना करता है। हु इज नो मोर, जो इस दुनिया में नहीं है उसकी एक बार और मधुर आवाज सुनने की कामना करता है। वन नोज दैट वंस फ्रेंड विल नेवर रिटर्न टू हिम, व्यक्ति जानता है कि उसका मित्र दोबारा लौट कर इस दुनिया में नहीं आएगा। And he feels quite lonely in this world. और जब उसे महसूस होता है कि उसका मित्र लौट के दुनिया में नहीं आएगा तो इस दुनिया में अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। थैंक यू।